राजा धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, अनुरोध करते हैं कि कवि संजय पांडवों को युद्ध में शामिल करते हुए अपने पूर्वजों कौरवों का विवरण सुनाएं। संजय बताते हैं कि कैसे राजा धृतराष्ट्र के पुत्र राजकुमार दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण से एकत्रित सैनिकों को देखने के लिए कहा। दुर्योधन अर्जुन और कृष्ण सहित पांडव सेना के शक्तिशाली और प्रभावशाली सदस्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। फिर वह अपनी सेना में प्रभावशाली लोगों के पास जाता है। उनमें से कुछ का उल्लेख उत्कृष्ट सेनानियों के रूप में करता है। दुर्योधन का दावा है कि कुरु सेना अजेय है, जबकि पांडवों की सेना काफी छोटी है। सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाते हुए दोनों सेनाएं शंख बजाती हैं, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंजते हैं। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होने के लिए अर्जुन ने कृष्ण को उन्हें ले जाने वाले रथ को चलाने की आज्ञा दी। वह युद्ध में धृतराष्ट्र के दुष्टचित्त पुत्र की सेवा करने वाले लोगों को इकट्ठा होते हुए देखना चाहता है। कृष्ण अर्जुन का ध्यान उन सभी कौरवों की ओर आकर्षित करते हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। अपने परिजनों से बनी विरोधी सेनाओं को देखकर अर्जुन आतंक से उबर जाता है। वह कृष्ण से दावा करता है कि वह अपशकुन देखता है। मेरे रिश्तेदारों को युद्ध में मारने से भले ही वे दुश्मन हो। अर्जुन ने कृष्ण को सलाह दी कि इस भयानक संघर्ष में भाग लेने की अपेक्षा उनके लिए युद्ध में आत्मसमर्पण करना बेहतर होगा। गीता के पहले अध्याय में दो विरोधी सेनाओं और उनके प्रमुख सदस्यों का परिचय दिया गया है। पांडव योद्धाओं की श्रेष्ठता के बावजूद राजकुमार यहाँ अध्याय 1-10 महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। 1. सेटिंग एक युद्ध क्षेत्र है जहाँ राजकुमार अर्जुन एक महान युद्ध से पहले संदेह और निराशा से भर जाता है। 2. भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके सारथी के रूप में प्रकट होते हैं और उनका मार्गदर्शक बनने की पेशकश करते हैं। 3. अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और युद्ध की हिंसा के बीच फटा हुआ है। 4. कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म, विचार या भावनाएं नहीं, व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को निर्धारित करते हैं। 5. कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जन्म और मृत्यु से परे है। 6. कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य धर्म को करने के महत्व पर बल दिया जाता है। 7. योग की अवधारणा परमात्मा से मिलन की शुरुआत की गई। 8. कृष्ण प्रकट करते हैं कि वे सारी सृष्टि के स्रोत हैं और उनकी भक्ति करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 9. अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वह सभी प्रकार के आसक्ति और अहंकार को त्याग दे और इच्छा या आसक्ति के बिना कार्य करे। 10. कृष्ण ने अर्जुन से वादा किया कि अपना कर्तव्य निभाने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से उन्हें शांति और खुशी मिलेगी। हमारे वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद।